28 फरवरी को हर साल आप लोग देखते होंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, या फिर ऐसे आप लोग नेशनल साइंस डे के रूप में भी मनाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो दिवस मनाए जाते हैं उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और अगर इस तरह के डे से अगर क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है तो उसमें से या तो ये पूछा जा सकता है किस कारण मनाया जाता है, या फिर आप देखिए ये पूछा जा सकता है कब पहली बार मनाया गया था, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल की इसकी थीम क्या है। तो इस तरह के कुछ पॉइंटों को आप लोग याद रखा करिएगा, और आप लोग कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए उसमें आपकी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। तो वर्ष 1928 में आप सभी जानते हैं कि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, और आप कह सकते हैं कि उसी के उपलक्ष में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि ये इसलिए मनाया जाता है कि रमन प्रभाव की जब खोज की गई थी उसी के उपलक्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 1986 में आप देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने भारत सरकार से 28 फरवरी को NSD के रूप में नामित करने के लिए कहा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। फिर आप देखेंगे 1987 से यह आयोजन पूरे देश में कॉलेजों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी चिकित्सा तथा अनुसंधान में मनाया जाता रहा है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। एनएसडी यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नेशनल साइंस डे है इसका समर्थन करने वाली नोडल एजेंसी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद है। और अगर हम लोग 2022 की थीम की बात करें तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार की थीम रखी गई है, और इंजीनियरिंग सहित विस्तारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप, चिकित्सा और अन्य संस्थान, अतिरिक्त वैज्ञानिक एकीकरण में जल शक्ति, रेलवे जैसे अन्य मंत्रालयों की जरूरतों की पहचान शामिल है, और विस्तारित विज्ञान में स्टार्टअप और उद्योग को एकीकृत करने वाली सभी समावेशी दृष्टिकोण को संचालित किया है। थीम एक स्थायी भविष्य के लिए 4 गुना एकीकृत दृष्टिकोण पर केंद्रित शामिल है। अगर आपसे सीवी रमन साहब के बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म हुआ था आपको बता दूं 7 नवंबर 1888 में, कहाँ? तमिलनाडु में। और इनकी डेथ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 21 नवंबर 1970 में बेंगलोर में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी मौत हो गई थी। उन्हें वर्ष 1930 में प्रकाश विकिरण के क्षेत्र में कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और प्रकाश विकिरण की इस घटना को रमन प्रभाव के नाम से आप लोग जानते हैं। 1954 में आप देखेंगे इन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग रमन प्रभाव के बारे में बात करें तो रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटोन कणों का एक विकिरण है जो उच्च कंपन या फिर गोली ऊर्जा स्तरों को प्रोत्साहित करते हैं, और इसे रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं। आप लोग अगर सरल शब्दों में आप देखें तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है, और जब प्रकाश की एक किरण किसी रासायनिक यौगिक के धूल रहित एवं पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती है तो प्रकाश का एक छोटा हिस्सा आपतित किरण की दिशा में से भिन्न अन्य दिशाओं में उभरता है, और इस विकिरणित प्रकाश के अधिकांश हिस्से का तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है। हालांकि प्रकाश का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी होता है जिसका तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से भिन्न होता है, और इसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम है। रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का
आधार निर्मित करता है जिसका उपयोग रसायन विज्ञानियों और भौतिक विदों द्वारा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य का अध्ययन भी रहता है। तो इसके बारे में यही विज्ञान जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में ये पॉइंट याद रख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप लोग इनके आंसर भी दे पाएंगे।